हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, सेहतमंद होंगे। तो दिन की शुरुआत हो रही है आपके साथ और एक नए ब्लॉग के साथ। सो आज मैं आई थिंक ट्राई करूंगी कि थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो अभी टाइम दिखाती हूँ, 6:30 हुए हैं, लेकिन मैं उठ 6 बजे गई थी और फ्रेशन अप वगैरह हुई। चलो अब दिन की शुरुआत मैं कैसे कैसे करती हूँ, किस लिए, वेट कम करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं एम्प्टी स्टमक अपना वेट मेजर करती हूँ, ठीक है। उसके बाद उस पर डिपेंड करता है कि मतलब मेरा तो करता है, मैं रोज नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप ड्यूरिंग अगर वेट लॉस है तो रोज करती थी और अभी भी हूं मैं तो रोज करूंगी। लेकिन जब आप मेंटेन वाले पे आ जाए तो आप हफ्ते में एक बार जरूर देख लें, रोज रोज नहीं देखना, लेकिन ड्यूरिंग द वेट लॉस आपको देखना चाहिए ताकि आपके कान खड़े रहे कि आ जाइए, अच्छे पाथ पे आ जाइए, आप गलत कर रहे हैं या आपका वेट बढ़ रहा है। तो आपको डर होना चाहिए कि भाई आप एक जर्नी, आप एक कुछ काम कर रहे हो अपनी बॉडी के लिए, तो उसके लिए स्टिक रहना पड़ेगा आपको। एंड दिन की शुरुआत करते हैं। 8 बजे तो बिल्कुल अंधेरा था, अब थोड़ी रोशनी आनी शुरू हो गई है अगर आप बाहर देखें तो। तो सबसे पहले उठते ही मैं पीती हूँ पानी। तो बैठ के आराम से पहले 1-1.5 गिलास पानी पिए ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। और वेट लॉस में पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कम से कम आपको 2 से 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए। तो पानी जरूर जरूर पिए अगर आप नहीं पीते। तो मैं बहुत कम पानी पीती थी, बट अभी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इतना तो एटलीस्ट पीऊँ। और एक और चीज, एक ना पानी का ये भी इफेक्ट होता है कि आपका वेट कितनी स्पीड से कम हो रहा है, मतलब कितने स्लोली हो रहा है या आप अच्छे से कर पा रहे हो, तो पानी भी उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पानी का खास ध्यान रखें आप। आ जाते हैं अपने रूम में और आके करूंगी अभी क्लीनिंग, नहीं करूंगी क्योंकि सुबह सुबह मैं अपनी बॉडी पे ध्यान देती हूँ आराम से। तो परवेश भी जाग चुके हैं अपना वर्कआउट करने और मैं अब जा ही रही हूँ। तो अपना अलमीरा खोलेंगे सबसे पहले और निकाल लेंगे अपने कपड़े। निकल लिया है चेंज और अब चलते हैं नीचे। और नीचे मैं थोड़ा वॉक करूंगी और थोड़ा सोसाइटी के जिम में जाऊंगी, वहां कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज करूंगी तो अगर पॉसिबल हो पाया, क्योंकि काफी लोग होते हैं सुबह भी, और अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं दिखाऊंगी जितना हो पाएगा। लंच में मैं आज बनाने वाली हूँ दाल, उसको मैं आज सॉफ्ट करके जा रही हूँ ताकि आते ही मुझे कुकिंग करने में देर ना हो और मेरा ये वाला काम भी हो जाए। तो आप, मैं वेट लॉस के साथ साथ आपको ये भी बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं ना ये सोचती थी कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन आपको एक अच्छी तरह से मैनेज करना आना चाहिए। तो वही मैनेजमेंट आपकी हेल्प करेगा सारे कामों में। तो यहाँ मैं थोड़ी थोड़ी दोनों दालें मिक्स कर रही हूँ, लंच के लिए प्रिपेयर करूंगी ना फिर। और एक तरफ मैं चावल थोड़े भिगो के जाऊंगी। तो यहाँ हमारा लंच के लिए भी प्रिपेयर होगी चीजें। ये देखो सनराइज कितना बढ़िया लग रहा है, रोशनी हो गई है अच्छी खासी। और जब वॉक वगैरह पे जाए ना, पानी की बॉटल साथ में रखें ताकि आप हाइड्रेटेड रहें हमेशा, जैसे मैं पहले ही बता रही थी आपको, और आपको थकान ना हो, बीच बीच में आप पानी पीते रहें थोड़ा थोड़ा। बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है, सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, लोग वॉक कर रहे हैं और मैंने भी वॉक शुरू कर दी अपनी। हर तरफ आपको फ्लार ही फ्लार मिलेंगे आजकल, बहुत बढ़िया खुशबू भी इतनी अच्छी आती है ना, मजा आ जाता है सुबह सुबह।
एक्सरसाइज करके आ चुकी हूँ और ये देखो पूरा स्वेटिंग स्वेटिंग हो रही है। और आजकल तो बढ़िया दिन चल रहे हैं, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा लगती है, स्वेटिंग थोड़ा अच्छा फील होता है। थोड़े दिन रात तो बहुत गर्मी हो जाएगी और अभी मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। थोड़ी देर लूँगी रेस्ट, फिर लूँगी शावर और फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैंने थोड़ा रेस्ट कर लिया है और अभी सबसे पहले अपने राइस और दाल जो मैंने सोख किए थे उनको धो वॉश कर लेते हैं। वॉश करके मैंने यहाँ रख दिए क्योंकि मैं जब गई थी सिर्फ सोख करके गई थी, अब मैंने वॉश वॉश करके रख दिए हैं और पानी वानी डाल के अब रखते हैं। तो सारा काम खत्म हो गया, मेरा लंच वंच प्रिपेयर कर लिया और हमेशा की तरह परवेश आप यहीं को यहीं बैठे मिलते हैं। इसके अलावा आप कई ब्लॉग में नहीं आते है ना ज्यादा। ये आजकल ना गुड़गांव, मतलब जो हमारा प्रॉपर्टी का काम है गुड़गांव हाउसिंग, जिस सबको पता होगा, जिनको नहीं पता उनको बता देते हैं। तो परवेश चैनल खोल के उस पर वीडियोज अपलोड करने वाले हैं। तो पहले वीडियो अपलोड करेंगे, हाँ वीडियोज अपलोड करेंगे तो मैं लिंक डेफिनेटली शेयर कर दूंगी अपने कम्युनिटी पोस्ट पे या आपको वीडियो में भी बता दूंगी। तो जाके परवेश को सपोर्ट करना और परवेश की वीडियोज देखना। मेरा आज का ब्रेकफास्ट ये है। तो अब सारा काम निपटने के बाद थोड़ी देर बैठे हैं आराम से, ब्रेकफास्ट मेरा हो गया। और बाकी आप जो दिए गए नंबर है इस पे कोई भी इंक्वायरी है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। और पोस्ट करना एक मिनट आवाज, तो यहाँ ना परवेश अपनी वीडियो देख रहे हैं और जो कि बहुत बढ़िया बनी है। तो ये पहली वीडियो शायद ये अपलोड करेंगे अपने चैनल पे, तो मैं लिंक डेफिनेटली लगाने वाली हूँ। और प्लीज कीप सपोर्ट परवेश को, और किसी को भी भाई कोई भी प्रॉपर्टी चाहिए तो आप बेफिक्र होके कॉन्टेक्ट कर लेना परवेश को। और एक मिनट पर एक बात बताओ कि मेरे कहने से आपके पास कोई बंदा आएगा तो कुछ लेस करोगे या ऐसे ही रिफंड में मेरे से? सब एक जैसे थोड़ी है वो, मेरे मतलब मेरी फैमिली मेंबर्स आएंगे अगर मेरे चैनल से आएंगे तो। हाँ जी डीलर जी। हाँ जी। चुप हो गए आप तो? क्या चाहिए? कुछ तो दो, लेस वेस दो, गिफ्ट दो, कुछ मिलेगा। चलो प्यार मिलेगा? नहीं प्यार नहीं, प्यार तो मिल जाएगा। गिफ्ट वगैरह कुछ है ना? हाँ पक्का शो। किसको? मेरे को नहीं, जो आएंगे उनको भी। हाँ सबको मिलेगा। अच्छा मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, आप अच्छी प्रॉपर्टी दिलाएंगे। हाँ अच्छी प्रॉपर्टी दिला देना, उसमें प्रॉफिट कमाएंगे। मैं हूँ तो बेफिक्र होके आप कॉन्टेक्ट कर लेना परवेश को और आपको अच्छे से दिखाएंगे, अच्छे से जो भी आपको चाहिए सेटिस्फेक्शन मिलेगा फुल। और बस यही है गुड़गांव हाउसिंग, लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगी अगर परवेश ने तब तक वीडियो अपलोड कर दी तो। यहाँ पे मैंने ले लिया शार और मैं हो गई हूँ रेडी एकदम, कुछ ऐसा पहना है मैंने आज। तो ब्रेकफास्ट में मैंने ओवरनाइट ओट्स खाए थे, उसके बाद अभी 11:30 के आसपास आप कोई भी फ्रूट लें। आजकल खरबूजे आ गए और मेरा बहुत मन था खरबूजे खाने का, तो मैं आज खरबूजा खाऊंगी। आपके पास कोई भी चॉइस का, मतलब अपने घर पे जो अवेलेबल हो आप वो वाला फ्रूट लिए। तो आपको लंच जो है आपका 1-2 बजे के बीच में लेना है। और जैसे मैं ये टाइम बता रही हूँ ना, ये आपको अपना शेड्यूल बनाना है लाइफ का, ऐसे नहीं कि अभी वेट कम करा और फिर छोड़ दिया, नहीं। ये चीजें आप अपने लाइफ में ले आए एक बार और फिर ये आपको, आप इनको अडोप्ट कर लेंगे, फिर ये चीजें आपके लिए नॉर्मल हो जाएंगी जैसे मेरे लिए नॉर्मल हो गई है। एक बार मुझे भी लगता था, इवन मैं तो पेपर पे लिख के अपने फ्रिज पे चिपकाया हुआ था बकायदा कि 6 बजे मुझे करना है, 7 बजे मुझे करना है। मैं पूरे दिन का अपना शेड्यूल करके तब उसके बाद अब मैं इस स्टेज पे आई हूँ। मैंने 19 से 20 किलो अभी कम कर चुकी हूँ मैं, और अभी मुझे 7-8 किलो और कम करना है बस, और ज्यादा नहीं करूंगी। वैसे और ज्यादा करना चाहिए अगर मैं अपने एक्चुअल बॉडी वेट की बात करूं तो, लेकिन मुझे उस वाले स्टेज पे नहीं जाना है, ज्यादा पतला भी मुझे अच्छे नहीं लगते। तो 7-8 किलो और कम हो जाएगा तो फिर मेरे को कोई जरूरत नहीं है ऐसा मुझे लगता है। और मैं कोई डाइटिशियन और ये तो हूं नहीं, देखो जो मैंने कर करके सीखा है वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, सो आप लोगों की हेल्प हो पाए। एंड बात में करेंगे, पहले जो मैं बता रही हूँ वो बात कर लेते हैं, भटक जाती हूँ मैं अपने उससे। तो लंच के बाद फिर आप इवनिंग स्नैक लेंगे 3-4 बजे, उसमें आप ग्रीन टी ले लें, चने के दाने ले लें और बॉयल काले चने भी ले सकते हैं,
और मुरमुरे ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं घी में थोड़ा सा रोस्ट करके। तो ये सारे आपके ऑप्शन है इवनिंग स्नैक के। उसके बाद डिनर की बारी आती है। डिनर में आप दाल ले लें, टोफू सैलेड ले लें, पनीर सैलेड ले लें, पनीर के साथ सारी सब्जियों को सोटे करके, दाल ले लें, सब्जी ले लें। लाइट डिनर से क्या होगा, वो इजीली आपका डाइजेस्ट होगा और आपका वेट लॉस में भी हेल्प करेंगी ये सब चीजें। तो बस यही बातें हैं और मैं अपना ही खा लूं, बहुत देर हो गई है रखे रखे, मुझे लग रहा है मन हो रहा है, क्रेविंग हो रही है इतने दिन से, मतलब कल दो दिन से मैं सोच रही थी वो खाना है वो खाना है ऐसे, बट मुझे ऑनलाइन मिल नहीं रहा था, आज मिला तो मैंने मंगा लिया। तब बढ़िया टेस्ट आ रहा है ना आजकल, मतलब मस्त टेस्ट आ रहा है। छोटी छोटी चीजों से आप अपना वेट कम कर सकते हैं और ऐसा कुछ स्पेसिफिक आपने करना नहीं है, बस अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें और ये मत रखें कि अभी आप वेट कम करने के लिए सब चीजें कर रहे हैं। नहीं, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करोगे वेट अपने आप कम हो जाएगा, सब चीजें अच्छी हो जाएगी। आपको कोई हेल्प चाहिए तो बताइएगा, डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो इस ब्लॉग को अभी यहीं पे एंड करते हैं। हाँ, ब्लॉक का एंड कहा, डिनर के बाद आपको क्या करना है, डिनर के बाद आपको सोने से पहले एक घंटा पहले कम से कम नाइट ड्रिंक लेनी है। नाइट ड्रिंक में आप क्या लें, जीरे का पानी उबाल के ले लें, ऑप्शन दे रही हूँ, सौंफ का पानी उबाल के पी लें, अगर पीसीओडी है तो कार्डमम स्टिक डाल के उसका पानी बॉइल करके लें। ये सब कुछ आपका जो मेटाबॉलिज्म है ना उसको इंक्रीज करेगा, उससे क्या होगा, उससे आपका वेट जल्दी कम होगा। तो ये सारी चीजें आप ट्राई करें और स्पेसिफिक आपको डाइट्स वगैरह भी मैं शेयर करूंगी नेक्स्ट कुछ आने वाली वीडियोस में, तो स्टे ट्यून्ड एंड वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई सजेशन चाहिए या कोई बात है तो इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम और बाय।